हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी नॉलेज। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब है सिमिलरिटी अर्थात समरूपता। एक आकृति में रेखिक सममिति होती है। यदि एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतया सौपाती हो जाए उसे ही सिमेट्री कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कॉपी द फिगर विद पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पंच होल दिया है, ये देखिए पंच होल, और यहाँ से हमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले से ही मैंने शेप्स बना के रखी हुई है, ये है स्क्वायर, और यहाँ से मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 करने वाली हूँ, और यहाँ से मैं पंच होल दे देती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखती जाइए। ये मैंने पंच होल ड्रॉ कर लिया है, और फिर अब मैं ये दो पंच होल एक के ऊपर एक रखने वाली हूँ, फिर देखना यहाँ पे कैसे सिमेट्री लाइन बनते हैं। तो देखिए, ये दोनों पंच होल में एक के ऊपर एक डालती हूँ, और ये मैंने फॉल कर लिया। फॉल करने के बाद ये देखिए रिजल्ट, यहाँ से बीच से एक लाइन हमें मिला है, और यही है सिमेट्री लाइन। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो पंच होल दिया है, ये मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, और अभी मैं ये पंच होल जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैं एक के ऊपर एक रखने वाली हूँ। तो देखते जाइए कैसे मैंने एक के ऊपर एक रखा। अब इसको मैं फॉल कर दूंगी ऐसे, और फॉल करने के बाद ये हमें सिमेट्री लाइन बीच से मिला है, ये देखिए। और ये है देखिए, ये है सिमेट्री लाइन। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे सिमेट्री लाइन हमें ड्रॉ करनी है। फिर आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके लिए मैंने और एक स्क्वायर शेप ले लिया है, और फिर मैं यहाँ पे पंच होल ड्रॉ करूँगी, देखती जाइए। पहले दो क्वेश्चन में हमें दो पंच होल दिया था, अब हमें चार पंच होल दिया है, और ये जो है चार पंच होल वाला, ये भी मैं करके दिखाऊंगी आपको, बहुत ही इजी है। आप देखते जाइए ध्यान से, तभी आपको समझ में आ जाएगी कि हमें एक सिमेट्री लाइन मिल गई है एक के ऊपर एक पंच होल डाल के, और फिर हमें सेम प्रोसेस में बाकी जो पंच होल है वो भी मिलाकर और एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमें पहले जैसे इस पंच होल को एक के ऊपर एक रखना है, फिर फॉल कर देना है, फिर हमें ये देखिए सिमेट्री लाइन मिल गई है, बहुत इजी है। देखिए सही, हमें बाकी क्वेश्चन भी करना है। जो आप लोगों को तो स्क्वायर शेप्स का सभी क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आप लोगों को अब सिखाने वाली हूँ, एक करके दिखाने वाली हूँ सर्कल शेप्स का। इसके लिए मैंने एक कॉम्पस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर ली है पहले, और फिर इसे मैं सीजर से काटूंगी। अभी मैं इस सीजर से इस सर्कल को काट लेती हूँ।
फिर समझाती हूँ। तो बच्चों, अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सर्कल वाला करके। इसके लिए मैंने एक सर्कल शेप बना ली है। और बच्चों, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। प्रैक्टिकल या व्यवहारिक शिक्षा से क्या हमें फ़ायदा मिलता है? व्यवहारिक शिक्षा छात्र को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करती है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर जय करने वाली हूँ, क्वेश्चन जय को करने वाली हो। इसके लिए मैंने एक स्केल ले लिया है और फिर मैंने पंच होल ड्रॉ कर ली है। अभी मैं एक पंच होल के ऊपर दूसरे पंच होल को ओवरलैप करूँगी, ऊपर डालूँगी। अभी मैं इसको फॉल करूंगी, फॉल करके आप लोगों को दिखाती हूँ रिजल्ट। और अभी मैं इसको खोलने वाली हूँ। ये देखिए रिजल्ट। इसमें देखिए, हम दो पंच होल के बीच से हमें एक सिमेट्री लाइन मिल गया है। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन के को करने वाली हूँ। इसके लिए मैं फिर से पंच होल ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन के को। ये थोड़ा अलग है पहले से, इसलिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन में जैसे बताया गया है वही वैसे ही मैं पंच होल ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले चार पंच होल है यहाँ पे। पहले वाला में दो था। पहले हमें किसी दो पंच होल को लेना है। ये मैंने ये दो पंच होल लूँगी और इसको मैं अब एक के ऊपर एक डाल के ओवरलैप करूँगी, तभी हमें सिमेट्री लाइन मिल जाएगी। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और इसके बाद अब खोल दूँगी तो हमें सिमेट्री लाइन मिल जाएगी। और बाकी जो दो पंच होल बचा हुआ था वो भी हम अब एक के ऊपर एक डालेंगे, ओवरलैप करेंगे। देखो बच्चों, मैं कैसे एक के ऊपर एक डाल रही हूँ। ये दोनों पंच होल को मैं अब एक के ऊपर एक डालूँगी। और अब मैंने इसको फॉल कर लिया है और देखिए अब रिज़ल्ट। और ये हमें दूसरा सिमेट्री लाइन भी मिल गई है। और देखो बच्चों, हमें और एक सिमेट्री लाइन मिल गई है। हमें इस सर्कल में दो सिमेट्री लाइन मिली है। ये देखिए,